और अब राइट या रॉन्ग की सीरीज में आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की उन तस्वीरों की जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल सीमा हैदर की पिटाई के कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर छा गए और लोग इन्हें बड़ी तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियोज हैं, क्या वाकई में सही हैं या फिर AI तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन वीडियोज को तैयार किया गया है, इसी की पड़ताल बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करके हमसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या सचिन सीमा की पिटाई कर रहा है, क्या मारपीट करता है, क्या दोनों के बीच बन नहीं रही है, किसी बात के बीच को लेकर दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, क्या सीमा भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान चली जाएगी, सचिन ने क्यों सीमा पर हाथ उठाया, क्या नौबत आई होगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं। अब कईयों को तो जवाब दिया, लेकिन फिर सोचा कि ये जो तस्वीरें हैं इसी पर राइट या रॉन्ग तैयार करते हैं, यानी कि इसी की पड़ताल करते हैं कि ये तस्वीरें राइट भी हैं या रॉन्ग हैं, सही हैं या गलत हैं। और आज हम आपको ये जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, इसका सच दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इन वीडियोस के जरिए ही गुलाम हैदर ने सचिन पर सीमा हैदर को पीटने का आरोप लगाया था। इसके बाद सीमा की पिटाई के वीडियोस वायरल होने लगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गुलाम हैदर है उसने मेरे नंबर पर ये वीडियोस सारे मुझे भेजे थे और ये इस वीडियो के जरिए गुलाम ने ये बताया था कि सीमा सचिन के साथ खुश नहीं है, सीमा को डराया धमकाया जा रहा है, उसे मारपीट की जाती है और पब्लिकली वो हंसे इस तरह से उसको डराया धमकाया जाता है, लेकिन अंदर ये चल रहा है। ये सारे वीडियोस गुलाम हैदर की तरफ से मुझे भेजे गए थे मेरे नंबर पर। जब इसकी हमने पड़ताल की तो क्या सच निकलकर सामने आया वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए और इन्हीं तस्वीरों पर, इन वीडियोस पर आज का हमारा राइट या रॉन्ग यानी कि सच या झूठ ये बेस्ड है। तो सीमा की पिटाई की इन वीडियोस और तस्वीरों की जो मैं अभी दिखा रहा था, इसकी इंडिया न्यूज ने हमने पड़ताल की। मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित ने सीमा से पहले फोन पर बात की, इन वायरल तस्वीरों को लेकर सीमा से सवाल जवाब किए, क्योंकि आशीष ने दो दिन पहले ही सीमा का एक लाइव लिया था, मतलब उससे लाइव इंटरेक्शन आशीष ने किया था। तब उस वक्त सीमा जो लाइव तस्वीरें थी उसमें पूरी तरह से ठीक दिख रही थी। फिर अचानक से सवाल यह कि कैसे सीमा के चेहरे पर सूजन आ गई, जैसा कि गुलाम ने वीडियो भेजा था, कैसे ये चोटें लग गई, कैसे ये बात सामने आने लगी कि सीमा सचिन में बन नहीं रही है। जब आशीष ने सीमा से बातचीत की फोन पर, तब सीमा ने क्या कहा इन तस्वीरों को लेकर, इन वीडियोज को लेकर जो कि वायरल हो रहे हैं, वो आप देखिए। चेहरे में ना ही कोई कट है, ना ही कोई निशान है, और जो वीडियो चलाए जा रहे हैं कि निशान है, सूजन है, आंख लाल है, वो बिल्कुल क्लियर। फुल फ्रेम दिखाओ भाई साहब, फुल फ्रेम दिखाइए, बिल्कुल हाथ क्लियर है, ना कोई चोट है। हम तो कह रहे हैं इसमें तेल के छींटों का भी निशान नहीं है। पाकिस्तानियों को राधे राधे भी दिखा दे। मैं कहता हूँ खाना बनाते समय तेल के छींटे और कट लग जाते हैं, उनके भी निशान नहीं है इस पे। पता नहीं कहाँ से लोग निशान लेके आते हैं। अगर थोड़ी सी चोट लग जाती है वो भी काफी समय तक निशान रह जाते हैं, और इतना मार पिटाई दिखाई गई है तो उसके निशान कहाँ है। बकवास करते हैं ये सारे, हम उनके बात ही क्यों करें, वो तो बकवास कर रहे हैं, वो तो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान तो वो खुद होंगे। अब ये है, आपको दिखाऊं, ये जो मेरी चोट है ये जन्म से है, ये ठीक है, ये मिट गई, और कल की चोट जो ये दिखा रहे हैं उल्टा सीधा करके वो संग संग मिट जाएगी भला। और दरअसल की अभी तक नहीं मिटी, जब अभी तक नहीं मिटी है, बचपन में लगी थी ये मेरे चोट यहाँ पर, ठीक है, जब हो जाएगी। और हर दिन लगातार हमारा भी चैनल है, यूट्यूब चैनल सीमा सचिन 10 के नाम से है, और 14 लाख हमारे सब्सक्राइबर है। आए दिन हम भी, जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो सुबह को एक वीडियो अलग डालते हैं और शाम को एक वीडियो अलग डालते हैं और दोपहर को एक वीडियो अलग डालते हैं, लगभग 5 डालते हैं। हाँ, 3-4 वीडियो लगातार रोजीना डालते आ रहे हैं परमानेंट। अगर उस में कोई डिस्टेंस है 4-6 दिन का या 2-4 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, तो आप बता सकते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं। लगातार हम वीडियो डालते आ रहे हैं और देख सकते हो, लाइव भी आ रहे हैं हम, क्या आंखों पर तुम्हारी पर पट्टी बंध रही है, क्या है कि दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल का तुमने मुंह नहीं देखा, कम से कम सोच समझ के तो बोलो। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान को एक बार आप उन्हीं शब्दों में एक बार फिर से जवाब दे दीजिए, जिन शब्दों पर आपने कहा था कि जो है हिला देंगे पाकिस्तान। भाई ये सनातनी का खून है और ये सनातनी का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ है। फुल फ्रेम करना भाई, मैं 2.5 किलो का हाथ है, जब पड़ता है ना तो आदमी का आकार भी बदल देता है।
पाकिस्तान को हिला दूंगा अगर ऊंचा ऊंचा बोला आप तो। हाँ सनी देवल ने तो ना लुखारा था, मैं पूरा पाकिस्तान उखाड़ दूंगा भैया जो लोग सुन रहे हैं अपनी पे आ गए तो ऐसी की तैसी कर रख देगा सबकी, ये अपने दिमाग से निकाल दो। तो सुना आपने कैसे सीमा गुलाम और पाकिस्तान में बैठे लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगा रही है। इधर सीमा से मारपीट के वीडियो पर उनके वकील एपी सिंह ने कहा कि सारे वीडियोस फेक हैं, और जो मारपीट की बात है कि सीमा को सचिन पीटता है मारता है, ये पूरी तरह से झूठ है, गलत है। बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीना की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग छटकारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। पिछले दिनों आपने देखा, कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी झूठी अफवाहजनक खबरें चला चला के इस तरह सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं। यानी कि निष्कर्ष ये है कि सीमा हैदर से पिटाई के वीडियो पूरी तरीके से गलत हैं, रॉन्ग हैं, फर्जी हैं। सीमा सचिन के खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है, यानी कि जो वीडियोस सोशल मीडिया पर इस वक्त छाए हुए हैं, जो वीडियोस गुलाम ने मुझे भी भेजे थे ये बताते हुए कि देखिए जो सीमा है उसकी पिटाई कर रहा है सचिन, उसके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, सीमा का चेहरा सूजा हुआ है, उसकी आंख सूजी हुई है। जब इनकी हमने डिटेल में पड़ताल की तो सारी की सारी बात झूठी निकली। हमने सीमा से लाइव बात की और इस लाइव बातचीत में सीमा सामने बैठी, ना तो उनके चेहरे पर कहीं निशान थे, ना उनकी आंख पर कहीं निशान थे, ना उनके हाथों पर कहीं निशान थे, बल्कि वो पूरी तरह से खुश नजर आईं और बताया कि ये जो सारी की सारी बातें हैं ये दरअसल झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीमा के साथ सचिन मारपीट करता है ये खबर पूरी तरीके से हमारी पड़ताल में रॉन्ग साबित हुई।